स्टूडेंट, आप सभी का एस वी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिंदी में लेसन नंबर फोर चांद से थोड़ी गप्पें, चांद से थोड़ी गप्पें नामक पाठ के अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। एक 10-11 साल की लड़की चांद से वो गप्पे मार रही है। तो आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो पहले शब्दार्थ हैं इसके, और इस पाठ के जो कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। शब्दार्थ तिरछा, टेढ़ा, कुल, सारा या संपूर्ण, पोशाक, वस्त्र, वेशभूषा, चारों सीमत, चारों दिशाएं, चारों सीमत, चारों दिशाएं, गो की यानी हालांकि, बुद्धू, मूर्ख, बुद्धू का अर्थ मूर्ख होगा, दम न लेना, विश्राम न लेना, मरज, बीमारी, निरा, बिल्कुल या पूरा, दम न लेना, विश्राम न लेना, आराम न करना, मरज, बीमारी, निरा, बिल्कुल। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। तिरछा का टेढ़ा, कुल का सारा या संपूर्ण, पोशाक का वस्त्र, वेशभूषा, चारों सीमत, चारों दिशाएं, गो की यानी हालांकि, बुद्धू, मूर्ख, दम न लेना, विश्राम न लेना या आराम न करना, मरज, बीमारी, निरा, बिल्कुल, पूरा। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला कविता से आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से, लड़की कहना चाहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से, लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। कै नंबर ऑप्शन दिया है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? हम इसे सही मानते हैं, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, हम इसको सही मानते हैं। तो ये इसका सही है। तो पहला हो गया, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। अब इसके आगे, कवि चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी, भी एक लड़की के माध्यम से कवि अपनी कविता को कह रहा है। तो कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। जैसे दिन दे रखा है और कारण, पूर्णिमा का दिन है और इसका कारण लिखना है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच इसका भी कारण लिखना है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच भी इसका कारण लिखना है। तो कवि ने, इसका आंसर है, कवि ने चांद से गप्पे पूर्णिमा के बीच ही लगाई होगी, पूर्णिमा के बीच ही लगाई होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों अष्टमियों को चंद्रमा तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में होता है। भी कृष्ण पक्ष में, मैंने आपको बताया था, कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे घटता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये कहता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों अष्टमियाँ को चंद्रमा तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में होता है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से बढ़ते हुए पूर्णिमा को गोल पूर्णाकार में गोल हो जाता है,
भी अष्टमी से आगे आगे बढ़ता हुआ अष्टमी को अर्धाकार होता है धीरे धीरे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से गोल हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में घटते हुए अष्टमी तक वापिस तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में आ जाता है। पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है और कृष्ण पक्ष में घटते घुटते अष्टमी के दिन अर्धाकार तिरछापन लेते हुए अर्धाकार में आ जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा द्वितीया से यानी जिस दिन द्वितीया तिथि होती है उस दिन से हमें दिखाई देता है एक बिल्कुल एक तार की नोक से बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे उसका बढ़ता रहता है। अब दिन है पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन चांद से गप्पे नहीं लगाई होगी, क्योंकि क्यों नहीं लगाई होगी क्योंकि वह तिरछापन नहीं होता केवल गोल होता है। चांद से गप्पे नहीं लगाई होगी क्योंकि तिरछापन नहीं होता केवल गोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद से गप्पे लगाई होगी, ये चांद से गप्पे लगाई होगी क्योंकि तिरछेपन से गोल हो जाता है, क्योंकि तिरछेपन से क्या हो जाता है गोल हो जाता है। भी कवि ने चांद से गप्पे लगाई होगी क्योंकि तिरछेपन से गोल हो जाता है। यानी चांद की मैं एक और बताना चाहता हूँ, चांद की जो घटने बढ़ने की जो कलाएं हैं, जो घटने बढ़ने की कलाएं होते हैं उसे हम चंद्र कलाएं कहते हैं। ये चंद्रमा की कलाएं होते हैं जिसको हम ये जो घटता है बढ़ता है उसको चंद्र कलाएं कहते हैं। अब इसी का एक और है, प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद से गप्पे नहीं लगाई होगी क्योंकि गोल नहीं होता केवल तिरछा होता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चंद्रमा से गप्पे नहीं लगाई होगी क्योंकि गोल नहीं होता केवल तिरछा होता है। अब क्वेश्चन है चंद्रमा के जो घटने बढ़ने के स्वरूप को क्या कहते हैं, चंद्र कलाएँ कहते हैं। ये चंद्रमा की कलाएँ होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णिमा का दिन चांद कैसा होता है। पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण गोलाकार रूप में होता है, पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण रूप से गोलाकार में होता है। और अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन चांद की जो स्थिति होती है पूर्ण गोलाकार होती है, ये पूर्ण गोलाकार में होता है। और उस दिन उस पूर्णिमा के दिन जैसे आकाश में चांद आकाश में आता है तो पूरे आकाश में चांद के आने से पूरे ब्रह्मांड में उसकी चांदनी फैल जाती है, अर्थात रोशनी रोशनी हो जाती है और हमें उस रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है। अब अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखाई देता है, यह अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि उस दिन काली रात गहरी रात होती है। ये दो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा, 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये मैंने क्वेश्चन बना के आपको लिखाए हैं, आपने अपनी कॉपी में इनको लिखना है। पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है, पूर्ण गोलाकार होता है। अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखाई देता है, अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, चांद से थोड़ी गप्पें नामक पाठ के कवि का नाम लिखो। चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक पाठ के कवि का नाम लिखो। इस पाठ के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह इस पाठ के लेखक का नाम है, इसके लेखक का नाम शमशेर बहादुर सिंह। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे, एक बार फिर वापस देख लें। तो यहाँ से सुधार से आपने शुरू करना है, इसका सभी ने सुधार लिखते हुए फिर इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। अभ्यास प्रश्न, रेड पेन और ब्लू पेन का प्रयोग अवश्य करें, इस बात का सभी विद्यार्थी ध्यान दें। रेड पेन का प्रयोग क्वेश्चन में लिखने में और ब्लू पेन का प्रयोग आंसर लिखने में करें। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 बताई दिया, पूर्णिमा के दिन चांद दिन और कारण पूर्णिमा के दिन कवि ने चांद से गप्पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी और इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच।
कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा का बीच ही लगाई होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों अष्टमियों को चंद्रमा तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में होता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से बढ़ते हुए पूर्णिमा को पूर्णाकार में गोल हो जाता है और वहीं पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में घटते हुए अष्टमी तक वापिस तिरछापन लिए हुए अर्धाकार में आ जाता है। पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण रूप से गोल होता है और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच तिरछापन से अष्टमी से तिरछापन होता है और उसके बाद पूर्ण रूप से वो गोल हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद से कप्पे नहीं लगाई होगी क्योंकि गोल नहीं होता केवल तिरछा होता है, और पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है, पूर्ण गोलाकार होता है, और अमावस्या के दिन चांद कैसा दिखाई देता है, अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और इस दिन गहरी रात होती है, मतलब घना अंधकार होता है, चारों तरफ घना अंधकार ही अंधकार नजर आता है। चांद से थोड़ी गप्पे नामक पाठ के कवि का नाम, चांद से थोड़ी गप्पे पाठ के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।